Hello guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, थोड़ी डांट लगाने के लिए मैं आई हूँ आज. जैन एग्जाम्स के स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए एक्चुअली और क्या है करंटली, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. इट इज गोइंग टू बी सर्टनली यूजफुल टू यू, सो स्टे ग्लूड थ्रू आउट द एंड. The very first thing which I am seeing is there is a sheer lack of seriousness. You know, common excuse, जो सबसे common excuse मैं जो students से सुन रही हूँ आजकल counseling calls पे या YouTube comments पे, कि मैम पढ़ाई तो करना चाहते हैं पर पढ़ाई हो नहीं रही है. क्यों हो नहीं रही है पता है? Nothing else, nobody else is responsible here. You are responsible. The seriousness is missing. मैम एक जगह पे बैठे हैं लेकिन बुक सामने है, पढ़ाई नहीं हो रही है. मैम क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग सीरियस फ्रॉम विद इन. अरे मैम अभी ऑप्ट आउट किया था, अभी तो बहुत टाइम है. कहाँ टाइम है गाइज? एक महीना, सिर्फ 1 month टू गो फॉर आर एग्जाम्स. अगर अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है, सो बी रेडी कि जैन का अटेम्प्ट आपका मई में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ऑलरेडी अपन ने ऑप्ट आउट करके जैन चूज किया है, उसमें भी जैन का अटेम्प्ट को नवंबर में कन्वर्ट होने को टाइम नहीं लगेगा. गाइस कितने दिन ये चिलपिल मोड में रहोगे कि अभी ऑप्ट आउट किया था मैम? अरे ऑप्ट आउट करने को भी आपको 20 दिन हो चुके होंगे. टाइम टू गियर अप गाइस, टाइम टू गियर अप. कितने दिन अपने फ्लो में चलते रहोगे? इफ नॉट नाउ देन व्हेन? कब आएगा वो दिन? सम डे बिकम्स नेवर. कल कर लूंगा. इनफ ऑफ प्रोकेस्टिनेशन गाइस. टाइम टू ब्रिंग ऑन सम सीरियस स्टडीज नाउ. द नेक्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन लेवल्स. अभी आप बोलोगे मैम साल भर से पढ़ते आए हैं, पढ़ाई तो हो चुकी है, काफी पढ़ाई हो चुकी है. यू नो पढ़ाई हो चुकी है लेकिन पढ़ाई खत्म होना इज नॉट इक्वल टू 100% प्रिपरेशन. पढ़ाई खत्म होना इज इक्वल टू 50% प्रिपरेशन. उसके बाद का जो 50% है उसके बारे में तो अपन कभी सीरियस नहीं होते. रिविजन्स, आरटीपीज, 1.5 days बिफोर एग्जाम्स प्लानिंग, इसके बारे में कब सीरियस होंगे गाइस? कुछ भी डाउट्स है, ये क्लियर करना है, वो क्लियर करना है, कब करोगे? अभी का टाइम है अपने पास. टाइम टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रिविजन बैच चाहिए. सी जैसे कि आपको बताया अन अकेडमी हैज स्टार्टेड इट्स ब्रह्मास्त्र बैच, तो वो Jan 21 स्पेशली ऑप्ट आउट स्टूडेंट्स के लिए है. कुछ भी आपको क्विक रिविजन करना है, सी इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम द 3rd of December लेकिन अभी भी इट इज कैरिड ऑन. तो जब भी आपको लगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्विक रिविजन चाहिए, तो यू कैन गो एंड अवेल द बेनिफिट आउट ऑफ इट. ना क्या करना है? सिंपल साइन अप करना. आई एम गिविंग द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल. साइन अप करना है आपके ईमेल आईडी के साथ एंड उसके बाद यू हैव टू गिव दिस मैंडेटरी रेफरल कोड RCH10 सो दैट यू कैन अवेल इट फॉर फ्री. कमिंग 1 month में भी दे आर गोइंग टू लॉन्च लोड्स ऑफ लास्ट वीक रिविजन थिंग एंड मेनी मोर स्टफ आर इन द पाइपलाइन. सो आई कीप यू नोटिफाइड रिगार्डिंग दैट एज वेल. सो गियर अप रिविजन, RTPs, 1 day before exam planning, अभी नहीं तो कब? The third thing is, learn out of your mistakes at least. आप लोग में से honestly, आप खुद अंदर खुद को yes या no बोलना कि कितने students ऐसे रहेंगे जिसने एक या दो papers दिए just एक idea लेने के लिए कि कैसे जाता है paper and उसके बाद opt out कर लिया. किया है ना ऐसा? ऑप्ट आउट क्यों किया? प्रिपरेशन तो थी बहुत अच्छे से लेकिन स्पीड, मैम एग्जाम में पेपर कवर नहीं कर पाए, मैम एग्जाम में पैनिक कर गए, मैम एग्जाम में ऐसे लग रहा था याद तो सब कुछ है पर कैसे उसको पुटअप करें, प्रेजेंटेशन चीज मिसिंग थी, राइट? तो एटलीस्ट जो मिस्टेक कमिट की पहले उसको सुधारने का मौका है गाइस. 6 months डिले इस बार नहीं है, हमेशा की तरह 1 time मिस्टेक विल कॉस्ट यू 6 months. इस बार आपको 2 months का एडवांटेज है ना गाइज, तो क्यों नहीं उसको यूटिलाइज कर रहे हो? अपने बबल से बाहर निकलो एंड स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट दीज थिंग्स. ये पेटी थिंग्स, प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन पेपर सॉल्विंग नहीं करनी. अच्छा पेपर सॉल्विंग से मुझे याद आता है, मुझे पता है अब बच्चों को डर लगता है पेपर सॉल्व करने से कि मैम डीमोटिवेट हो जाएगी, मैम पेपर सॉल्व करते नहीं आया तो. अरे गाइज अगर एग्जाम में जाके पेपर सॉल्व करते नहीं आया तो
एटलीस्ट अभी पेपर सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स ना, कि ये मिस्टेक मुझे एग्जाम में कमिट नहीं करनी है. तो आई एम चैलेंजिंग ऑल ऑफ यू गाइज कि अभी एक महीने में हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर्स तो एब्सोल्युटली सॉल्व हो जाने चाहिए. इट्स अ चैलेंज. अगर आप एक्सेप्ट करते हो उस चैलेंज को तो कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन में. आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट शॉट इन द नेक्स्ट 30 डेज. या सो गाइज प्लीज, ये छोटी छोटी बातें हैं बट समटाइम्स स्मॉल थिंग्स लीड्स टू बिग रिजल्ट्स. खुद को फूल करना बंद करो. पहले बोला नोटिफिकेशंस के वजह से हम एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, फिर बोला पोस्टपोनमेंट्स के वजह से एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, फिर ऑप्ट आउट स्कीम के वजह से एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, एंड अभी मोमेंटम नहीं है मैम, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. प्लीज गाइज खुद को फूल करना बंद करो, खुद को कंसोल करना बंद करो एंड स्टार्ट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक. If not you, then who? कोई आके अपने लिए नहीं पढ़ेगा. You, it is you who has to take in charge of your studies completely. Okay? So time to change the gears now and study like never before. Okay, guys? So if you like this video, hit that like button. Comment तो मैंने आपको बोला है. If you accept that challenge, comment in the comment section below definitely. And subscribe to the channel in case you like the content put up on this channel. And किसी भी चीज की जरूरत है आपको, study plans, motivation, लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स, किसी भी चीज की जरूरत है, यू कैन सर्टनली एनरोल फॉर पर्सनल काउंसलिंग सेशंस. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट.